आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर डिटरमिनर्स। तो अभी LLB में सेकंड यूनिट में एक टॉपिक है, डिटरमिनर्स क्या होता है, प्री पोस्ट एंड सेंट्रल डिटरमिनर्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग टोटल देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स और डिटरमिनर्स क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, लाइक भी कर दिया करिए और पॉजिटिव कमेंट कर दिया करिए। कि मुझे ये बार बार कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना ही पड़ता है क्योंकि खुद से आप लोग करते ही नहीं हो। ठीक है, तो डिटरमिनर्स क्या होता है आज हम देख लेते हैं। डिटरमिनर्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज। डिटरमिनर क्या होता है कि नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन होता है, नाउन के पहले कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, यानी स्पेसिफिक करते हैं। नाउन तो है, कोई भी नाउन हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है, बट नाउन को जो स्पेसिफिक करते हैं जो वर्ड, वो हमारा कहलाता है डिटरमिनर्स। एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं बॉय। ठीक है, बॉय, तो बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, बट लिख देते हैं आ बॉय। ठीक है, द बॉय। तो ये वर्ड जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं, यानी नाउन को एक बेस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। ठीक है, मेनी, मच, सम एंड फ्यू आर डिटरमिनर आर इनडेफिनिट डिटरमिनर। डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनिट क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, जो निश्चित चीज़ें होती है, निश्चित चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट, और इनडेफिनेट जो अनिश्चित चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर हम लिखें द बॉय, यानी किसी पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, तो ये निश्चित है, किसी पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात हो रही है। बट अगर लिखते हैं आ बॉय, यानी कोई अनिश्चित है कि किस बॉय की बात हो रही है ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चित है, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दिस, माई, द एंड दोज आर डेफिनेट डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो ये हमारे मेनी, मच, सम एंड फ्यू आर इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स, और दिस, माई, द एंड दोज आर, ये क्या है, डेफिनेट डिटर्मिनर्स हैं। नो जो होता है, जो नो, एन ओ नो होता है, नहीं, ये क्या है आपका, निगेटिव डिटर्मिनर्स होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अगर डिटर्मिनर कोई इस तरीके से बांटा जाए कि इनडेफिनिट डिटर्मिनर, डेफिनेट डिटर्मिनर एंड निगेटिव डिटर्मिनर, तो आपके मेनी, मच, सम एंड फ्यू आपके आएंगे इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स में। दिस, माई, द एंड दोज, ये आएगा आपका इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स में, और नो आएगा आपका निगेटिव डिटर्मिनर्स। बट डिटर्मिनर्स हमारे थ्री टाइप के होते हैं मेन। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है डिटर्मिनर का, वो थ्री टाइप से होता है, प्री डिटर्मिनर्स, सेंट्रल डिटर्मिनर्स एंड पोस्ट डिटर्मिनर्स। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि ये प्री डिटर्मिनर्स क्या होता है, सेंट्रल डिटर्मिनर्स क्या होता है एंड पोस्ट डिटर्मिनर्स क्या होता है, और इनमें कौन कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं। अगर हम एक लाइन में समझना चाहें कि डिटर्मिनर्स और प्री, सेंट्रल, पोस्ट डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें तो जो नाउन होता है हमारा, नाउन होता है उसके जो मिड में आता है, यानी नाउन के पहले हमारे कई डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउन से पहले हमारे कई डिटर्मिनर हो सकते हैं, तो थ्री, फॉर एग्जांपल थ्री डिटर्मिनर्स है ना। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू समझ लेंगे कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, किस किस तरीके से फ्रेज फ्रेज हमारा आता है। तो सबसे सिंपली समझते हैं प्री, सेंटर, पोस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, प्री यानी पहले, सेंटर यानी बीच में, पोस्ट यानी कि बाद में। ठीक है, तो ये बात हो रही है नाउन के पहले की। ठीक है, नाउन के पहले ये सारे डिटर्मिनर्स आएंगे, क्योंकि नाउन का बेस प्रोवाइड करने आते हैं आपके डिटर्मिनर्स, और एक से ज़्यादा डिटर्मिनर होते हैं, तो उनको हमें डिफाइन करना होता है कि वो प्री हैं, पोस्ट हैं या सेंटर डिटर्मिनर्स हैं। तो अगर हम बात करें तो आपका डिटर्मिनर्स, अगर थ्री डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं, तो ये जो है बीच में जो आएगा वो सेंटर आएगा, पहले उसके आएगा वो प्री आएगा, और जो सेंटर के बाद आएगा वो आएगा पोस्ट आएगा। ठीक है, ये नाउन के पहले की बात हो रही है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ये नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर नाउन के पहले सारे डिटर्मिनर एक साथ आ जाएं, लेकिन अगर आपने सेंट्रल डिटर्मिनर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, क्योंकि नाउन से पहले सेंट्रल डिटर्मिनर ओनली हो सकता है ना, तो अगर ये पढ़ लिया है आपने सेंट्रल डिटर्मिनर, तो इसके बाद आने वाले और इसके पहले आने वाले डिटर्मिनर को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्री डिटर्मिनर्स कौन कौन से हो, अगर हम प्री डिटर्मिनर्स की बात करें, तो प्री डिटर्मिनर्स में हमारे कौन कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं, सिर्फ आप देखते जाइए, बाद में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सीक्वेंस वाइज समझा दूंगी कि मल्टीप्लायर क्या होता है, इंटेंसिफायर क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती चलूँगी। बस आप अभी हेडिंग देख लीजिए। तो प्री डिटर्मिनर्स में कौन कौन से आते हैं, मल्टीप्लायर्स आते हैं, इंटेंसिफायर्स आते हैं, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेंट्रल डिटर्मिनर्स की, तो इसमें आते हैं आपके आर्टिकल, डेमोंस्ट्रेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरोगेटिव एंड आपका आता है पॉसेसिव,
एंड आता है आपका क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट डिटर्मिनर की बात करें तो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल एंड कार्डिनल भी होते हैं और जनरल ऑर्डिनल भी होते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स, अगर आपका आर्टिकल आएगा यानी ए एंड आएगा तो ये मान के चलते हैं ये हमारा सेंट्रल डिटर्मिनर्स है। तो ये सारे टाइप्स हैं कि कौन से डिटर्मिनर्स आपके प्री होंगे, कौन सेंटर होंगे और कौन पोस्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सिक्वेंस वाइज एक बार समझते चलते हैं। प्री डिटर्मिनर क्या होते हैं एक बार डिफाइन कर लेते हैं। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अ डिटर्मिनर, दिस क्लास ऑफ वर्ड्स इंक्लूड्स मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स कौन से, जैसे यानी कि डबल, ट्विज, फोर, फाइव टाइम्स, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है, वन थर्ड, टू थर्ड, वर्ड्स बोथ। तो ये सारे हमारे आते हैं प्री डिटर्मिनर्स पे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है टू थर्ड्स ऑफ द रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड दैट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट वॉज सेटिस्फैक्ट्री। टू थर्ड, तो पहले हमें देखना होगा नाउन क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसमें नाउन है हमारा रिस्पोंडेंट, ठीक है। रिस्पोंडेंट से पहले लिखा हुआ टू थर्ड ऑफ द, तो ये जो फ्रेज आ रहा है इसमें देखिएगा टू टाइप के डिटर्मिनर आपको दिखेंगे। एक तो द है, यानी द क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपका आएगा सेंट्रल डिटर्मिनर। और सेंट्रल के पहले एक ट्रिक भी है, सेंट्रल के पहले जो डिटर्मिनर आएगा वो हमारा प्री डिटर्मिनर होगा। बट हमें ये भी देखना है कि हमें रूल भी पढ़ते जाना है, जो टू थर्ड फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन आता है हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट। टाइम जो है वो है हमारा नाउन और इसके पहले आया है मच। तो मच हमारा आता है आपका, मच हमारा आता है प्री डिटर्मिनर्स में, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर नाउन के पहले या तुम्हारा तीनों डिटर्मिनर हो, कोई भी डिटर्मिनर हो सकता है, बट सेंट्रल डिटर्मिनर पहचाना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मच हमारा है प्री डिटर, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि एक तो मल्टीप्लायर्स आते हैं, दूसरा इंटेंसीफायर यानी कि इंटेंस जो क्वांटिटी बताते हैं कितना, बोथ, मच, ईच, तो ये सारे हमारे आते हैं इंटेंसीफायर में। तो इंटेंसीफायर भी हमारा होता है प्री डिटर। ऑल द मेम्बर्स आर वेलकम टू दिस स्पेशल शोज। ऑल द मेम्बर्स, यहाँ पे देखिएगा मेम्बर्स हमारा क्या है, नाउन है, है ना। तो इसके पहले दो डिटर्मिनर्स आपको दिख रहे हैं, द एंड ऑल। मैंने बताया ना द आपका आर्टिकल है, द आता है आपका सेंट्रल डिटर्मिनर में, तो सेंट्रल के पहले आपका आ रहा है ऑल, तो ऑल हमारा है प्री डिटर्मिनर्स। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें हैं सेंट्रल डिटर्मिनर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये रेगुलरली यूज होता रहता है जनरली। तो सेंट्रल डिटर्मिनर्स आर यूज बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज होता है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके आर्टिकल, सबसे पहले देख लेते हैं। आर्टिकल टू टाइप के होते हैं आपके, इनडेफिनिट एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल आपका भी मैंने बताया, डेफिनेट इनडेफिनिट क्या होता है, ए एन आपके इनडेफिनिट आर्टिकल है और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। एग्जाम्पल है द पेन, ठीक है, पेन आपका नाउन है, पेन आपका नाउन है और इसके पहले आ रहा है द, तो ये सिंपल सा है कि द हमारा क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल है तो ये हमारा सेंट्रल डिटर्मिनर है। नेक्स्ट आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर यानी डिमॉन्स्ट्रेशन करके, दिखा के, शो करके, पॉइंट आउट करके, पॉइंट आउट करना ही हमारा कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेशन या डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटर हमारे क्या होते हैं, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या नाउन में कि दिस, दैट, दीज, दोज हमारे वर्ड कौन से हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो होते हैं क्या होते हैं, पॉइंट आउट करते हैं पर्सन और थिंग को। एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स, ठीक है, बुक्स जो है वो हमारा क्या है, नाउन है, इसके आगे लिखा हुआ है दीज, दीज, तो दीज हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटर है। और डिमॉन्स्ट्रेटर्स हमारे क्या कौन से होते हैं, सेंट्रल डिटर्मिनर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉसेसिव्स। पॉसेसिव्स कौन से होते हैं, जिसमें हमें शो होता है मालिकाना हक, पोजीशन शो होता है अपना, ठीक है, अपने के लिए यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन की कैसे यूज़ होगा, ही के लिए हिज यूज़ होता है, शी के लिए हर यूज़ होता है, आई के लिए माई यूज़ होता है, तो ये क्या होता है, इट के लिए इट्स यूज़ होता है, तो ये हमारा पोजीशन शो करता है, ठीक है। तो एग्जांपल है ही टोल्ड हिज फादर, फादर आपके क्या है, नाउन है, हिज फादर, हिज फादर डिफाइन कर दिया, अगर सिर्फ फादर बोलते तो ये क्या होता, जनरल बात हो रही है किसी फादर की, लेकिन है हिज फादर, अपने पिता से, तो ये जो हिज है ये इसने डिटरमाइन कर दिया, यानी कि हिज आपका डिटरमिनर है और किस टाइप का डिटरमिनर है, सेंट्रल डिटरमिनर है, क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स में, कि सेंट्रल डिटरमिनर्स में आपके पॉजिटिव डिटरमिनर्स आते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स तो क्वांटिफायर्स आर दो डिटरमिनेंट दैट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी. जो अमाउंट या क्वांटिटी बताते हैं वो हमारे आते हैं सेंट्रल डिटरमिनेंट में. एग्जांपल है फ्यू सिटीज रिटेन देयर ओल्ड वर्ल्ड चार्म. तो यहाँ पे सिटीज जो है वो है हमारा नाउन. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू जो क्वांटिटी बता रहा है, तो फ्यू हमारा सेंट्रल डिटरमिनेंट है. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, जो बांटते हैं, दो पार्ट को अलग अलग में बांटते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स आर दो डिटरमिनर दैट शो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं. एग्जांपल है एवरी अपार्टमेंट हैज थ्री बेडरूम. एवरी यानी कि हर एक थ्री, हर एक अपार्टमेंट की बात हो रही है जिसमें थ्री बेडरूम है. तो अपार्टमेंट आपका नाउन है और एवरी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटिव है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका क्या होता है, सेंट्रल डिटरमिनर होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव के, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के, व्हाट, हुज, विच, तो ये सारे हमारे आते हैं सेंट्रल डिटरमिनर्स में. तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स एग्जांपल है व्हाट स्टाइल डिड यू सी इन दिस हैंड राइटिंग. तो यहाँ पे स्टाइल के पहले आपका आ रहा है व्हाट, ठीक है, तो ये हमारे आएगा सेंट्रल डिटरमिनर्स में. नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट डिटरमिनर के, तो पोस्ट डिटरमिनर्स क्या होते हैं, पोस्ट डिटरमिनर्स आर यूज आफ्टर सेंट्रल डिटरमिनर. क्योंकि मैंने बताया सेंट्रल डिटरमिनर्स के बाद जितने वर्ड आके लाएंगे पोस्ट डिटरमिनर्स, ठीक है. तो डिटरमिनर्स आर यूज आफ्टर सेंट्रल डिटरमिनर्स इन अ नाउन फ्रेज टू मेक द रेफरेंस मोर प्रिसाइज. दे इंक्लूड, इसमें आते हैं आपके नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर्स कौन होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 होते हैं, वो हमारे कार्डिनल नंबर कहलाते हैं. एग्जांपल है कैन यू डिस्टिंग्विश योर अदर 4. तो यहाँ पे 4 आपका क्या है, डिटरमिन हमारे ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो ऑर्डर शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ऑर्डर शो करते हैं, इसको हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं. एग्जांपल है दिस इज द थर्ड मीटिंग इन दिस मंथ, ये तीसरी मीटिंग है इस महीने में. तो मीटिंग हमारा नाउन है और इसके पहले आ रहा है थर्ड. तो एक चीज़ और देख सकते हैं, लिखा हुआ द थर्ड मीनिंग, तो सेंट्रल डिटरमिनर है आपका द के बाद आपका आएगा पोस्ट. पोस्ट मीन्स होता है बाद, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं जनरल ऑर्डिनर्स. जनरल ऑर्डिनर्स में आते हैं आपके नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, सेवरल, सब्सिक्वेंट, अदर, सर्टेन, फर्दर, ये सारे हमारे आते हैं जनरल ऑर्डिनर्स. ये भी हमारे होते हैं पोस्ट डिटरमिनर्स. एग्जांपल है आई विल मीट द अदर पीपल लेटर. तो द हमारा क्या है, सेंटर है, और अदर जो है वो हमारा है पोस्ट डिटरमिनर, और पीपल हमारा है नाउन. आई थिंक थोड़ा सा पॉज कर करके एक बार देखिएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. कुछ क्विज है, एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स आर देयर, बताइएगा कितने टाइप के डिटरमिनर्स हम लोगों ने पढ़े हैं मेन. तो हम लोगों ने पढ़ा है 3 टाइप के डिटरमिनर, प्री, पोस्ट एंड सेंट्रल डिटरमिनर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल आपका है द, क्योंकि ए और एन क्या है आपके इनडेफिनेट, अनिश्चित आर्टिकल हैं जो अनिश्चित चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आर टेबल, ठीक है, एन एलिफेंट. तो ये जनरल की बात हो रही है, किसी एक एलिफेंट की बात हो रही है, किसी टेबल की बात हो रही है, तो ये अनिश्चित है. निश्चित द टेबल यानी किसी पर्टिकुलर इसी टेबल की बात हो रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं द टेबल. से हमारा विच कम्स अंडर कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर. अभी मैंने बताया जो 1, 2, 3, 4 होते हैं वो आपके होते हैं कार्डिनल नंबर, और फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, ये सारे होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर. क्वेश्चन है What comes under distributive? Distributive में कौन आते हैं, तो each, every, either, neither जो distribute करते हैं वो सारे हमारे आते हैं distributives में. इसमें आएगा आपका all of the above. Last question, आप लोग बताइएगा डिटरमिनर्स आर यूज बिफोर नाउन. नाउन के पहले कौन से डिटरमिनर यूज होते हैं. वैसे ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है क्योंकि नाउन के पहले सारे डिटरमिनर्स आते हैं, लेकिन जस्ट पहले की बात करें तो सबसे जस्ट पहले आपका आता है पोस्ट डिटरमिनर, क्योंकि ये प्री, पोस्ट एंड सेंट्रल डिटरमिनर सारे नाउन के पहले आते हैं, लेकिन जस्ट पहले जो आता है वो आता है पोस्ट डिटरमिनर. आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ें आप लोगों को रिमाइंड हो गई होगी, है ना. तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, प्री डिटरमिनर्स, सेंट्रल डिटरमिनर्स एंड पोस्ट डिटरमिनर्स. प्री डिटरमिनर्स में आपके क्या क्या आते हैं, मल्टीप्लायर्स आता है, इंटेंसिफायर्स आता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आती है. सेंट्रल डिटरमिनर आता है, आर्टिकल आता है, डेमोन्स्ट्रेटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, इंट्रोगेटिव आता है, पॉसिसिव आता है, क्वांटिफायर. पोस्ट डिटरमिनर्स में आपके नंबर्स आते हैं, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर एंड जनरल ऑर्डिनर्स आते हैं आपके.
तो आई थिंक अगर आप लोगों को ये सारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।